अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मिजाज अवामी कंप्यूटर कॉलेज शक्लगढ़। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फोटो फिल्टर का लेक्चर नंबर 7। तो इसमें मैं आज आपको करवाऊंगा लेक्चर नंबर 7 में कि आपने अपनी पिक्चर पे अपनी पिक्चर को ब्लर कैसे करना है, उसके बाद सॉफ्ट कैसे करना है, डस्ट रिडक्शन का क्या काम है इसमें, उसके बाद अपनी पिक्चर को ओल्ड फोटोग्राफी के स्टाइल में कैसे शो करना है, सेपिया में कैसे शो करना है और ग्रे स्केल में कैसे शो करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्लर से। अगर आप अपने पिक्चर को ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपने आपके सामने पिक्चर है, आपने ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप क्लिक करते जाएं तो ये देखें ब्लर हो रही है। मैं दोबारा अनडू करके आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें इसका रिजल्ट चेक कर लें और आप ब्लर करते हैं, इस पर क्लिक करते जाना तो ये देखें आपकी पिक्चर ब्लर होती जाएगी। आप जितनी बार इस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे आपकी पिक्चर उतनी बार ब्लर होती जाएगी। अंडू करके आप दोबारा बैक आ सकते हैं। ये था कि अपनी पिक्चर को ब्लर कैसे करना है, उसके बाद सॉफ्ट कैसे करना है। सॉफ्ट करने से होता है कि अगर आपके फेस पे कोई किसी किस्म के सुराख नज़र आ रहे हैं या कोई चीज़ आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही, पिक्सल फट रहे हैं, तो आप उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखें सॉफ्ट करके चेक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना तो ये देखें पिक्चर सॉफ्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसमें डस्ट रिडक्शन है। अगर आप अपने पिक्चर में डस्ट डालना चाहते हैं, गर्द वगैरह गंदा करना चाहते हैं पिक्चर को, तो जितना हिस्सा आप गंदा करना चाहते हैं जिसमें आप डस्ट डालना चाहते हैं उतना आपने सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ इतना हिस्सा। अब इसे डस्ट रिडक्शन का ऑप्शन यूज़ करना है। तो ये देखें डस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायरेक्ट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, अमाउंट पे ये देखें, इसे भी तो ये देखें गंदा हो गया। ये कैसे आप इसे क्लियर कर सकते हैं, इसे भी करके चेक कर लें। कैसे आप इसमें डस्ट वगैरह डाल सकते हैं। कलर पे क्लिक करते हैं तो अब आप भी देखें ये पिक्चर डस्ट रिडक्शन, कलर, डायरेक्ट प्रीव्यू, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कलर ये चेक कर लें, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे उसके बाद आप इसे ओके कर दें या कैंसिल कर दें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, अगर आप अपनी पिक्चर को ओल्ड फोटोग्राफी के स्टाइल में शो करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, जैसे पुरानी पिक्स होती थी पुराने ज़माने की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पिक्चर है, इसे यहाँ से फुल स्क्रीन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, ये हमारे सामने है, इसे ओल्ड फोटोग्राफी स्टाइल में शो करना है तो उसके लिए आपने यहाँ ओल्ड फोटोग्राफी पर क्लिक करना है। तो ये देखना आपके सामने अभी ये सारा ओल्ड फोटोग्राफी स्टाइल में शो हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग में ये नीचे चेक कर लें 11% है। तो ये देखें तो ये ओल्ड फोटोग्राफी स्टाइल में शो होगी।
दोबारा अनडू करते हैं तो पहले स्टाइल में शो होगी। ये था ओल्ड फोटोग्राफी में कैसे करना है। उसके बाद है सीपीएस स्टाइल, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें सीपीएस स्टाइल है, दोबारा अनडू करते हैं, पहले कंडीशन में आ गई। अब आप ग्रे स्केल में करना चाहते हैं तो ग्रे स्केल स्केल पर क्लिक करो। यहाँ से आपने क्लिक और डायरेक्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ये देखें ये तो यहाँ से आप इसे ग्रे स्केल में चेंज कर सकते हैं। लास्ट पर अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हो तो ओके कर दो, नहीं तो ऐसे कैंसिल कर दो। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पिक्चर के बारे में बताया कि आपने इसे सॉफ्ट कैसे करना, ब्लर कैसे करना, डस्ट कैसे डालनी है इस पर, ओल्ड फोटोग्राफी स्टाइल में कैसे शो करना है, और सीपीएस स्टाइल में और ग्रे स्केल स्टाइल में कैसे पिक्चर को चेंज करना है। तो ये सारा कुछ मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे भी आगे करवाऊंगा, बहुत खुश है इसमें, बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।